सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, GSTR 3B, GSTR 1 और GSTR 4 के रिलेटेड जो लेट फीस वेव हुई थी उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन आने का बेनिफिट ये होगा कि अब आप GST की वेबसाइट पर जाकर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी। अभी नोटिफिकेशन आने से पहले कई लोगों को क्वेरी आ रही थी क्योंकि लेट फीस हट नहीं रही थी, तो उसका रीज़न यही था। तो अगर आप में से किसी ने या आपके किसी क्लाइंट ने जुलाई 17 से लेकर सितंबर 18 तक की कोई भी रिटर्न 3B, R1 या फिर GST R4 फाइल नहीं करी है, तो आप उसको फाइल कर सकते हैं और लेट फीस से बच सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये रिटर्न आपकी 22 दिसंबर के बाद ही फाइल हुई हो और 31 मार्च 2019 से पहले पहले फाइल हो जाए, क्योंकि 22 दिसंबर के बाद ही काउंसिल ने ये डिसीजन दिया था। तो नोटिफिकेशन नंबर 75/2018 है। तो नोटिफिकेशन में क्या कहता है कि ये नोटिफिकेशन ने जो लेट फीस पेबल थी सेक्शन 47 के अंदर, उसे वेव कर दिया गया है। और ये वेव करा है GSTR 1 फॉर्म के लिए, और ये फॉर्म का पीरियड होगा जुलाई 17 से सितंबर 18 होगा। और लेकिन ये वेवर यानी कि ये फीस तभी माफ़ होगी जब आप ये रिटर्न भरेंगे 22 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर 2018, और भरेंगे 31 मार्च 2019 से पहले पहले। ऐसे ही 3B की नोटिफिकेशन देख लेते हैं। 3B की नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 है। यहाँ पर जो मैटर लिखा है उसमें ये लिखा है कि इससे पहले जितनी भी डेट चेंज की नोटिफिकेशन आई थी, तो ये नोटिफिकेशन उन सब नोटिफिकेशन को अमेंड कर देती है। तो अब यहाँ पर भी यही बोला है कि 3B में जो जुलाई 17 ऑनवर्ड जो उसकी ड्यू डेट थी, उसमें जो लेट फीस थी 25 रुपीज़ फॉर एवरी डे, यानी कि 25 रुपये CGST में और 25 रुपये SGST में, जो टैक्स टैक्स पेबल वाली रिटर्न थी ये उनमें था, अदरवाइज आपका 20 रुपीज़ था दोनों का मिला के, CG और SG का। तो उस केस में अगर आप जुलाई 17 ऑनवर्ड की जो रिटर्न भर रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पर 10 रुपये था नील टैक्स के केस में, तो जुलाई 17 से लेकर सितंबर 18 तक की आप रिटर्न भर रहे हैं 22 दिसंबर के बाद और 31 मार्च 2019 से पहले, तो आपकी लेट फीस भी हो जाएगी। सिमिलर नोटिफिकेशन GSTR 4 के लिए आया है। GSTR 4 के लिए जुलाई 17 से सितंबर 18 तक, यानी कि जुलाई 17 का जो इनका सेकेंड क्वार्टर था 17-18 का, उससे लेकर सितंबर 18, यानी कि ये 18-19 का सेकेंड क्वार्टर हो जाएगा, तो उसकी भी लेट फीस माफ़ हो गई है। अगर वही सिमिलर केस है 22 दिसंबर 18 के बाद रिटर्न फाइल होती है और 31 मार्च 2019 से पहले होती है, तो अगर आपने, आपके किसी क्लाइंट ने रिटर्न फाइल नहीं करी है, और या फिर उनको डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 का नोटिस आ रहा है, जिसमें नोटिस में रिटर्न ना फाइल करने की वजह से आपको नोटिस मिलता है, और या फिर कई केस ऐसे हैं जिन्होंने कैंसिल कर दिया था या कैंसिल करना भूल गए हैं, या फिर कुछ माइग्रेट हो गए थे, माइग्रेट होने के बाद उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी, या रिटर्न फाइल करी और कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया और उनका नंबर कैंसिल भी हो गया, उस केसेस में भी आपको नोटिस आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप रिटर्न फाइल कर कर टिल डेट तक की, यानी कि सितंबर 18 तक की, अपने नोटिस को विड्रॉ करा सकते हैं। और अगर इन केस आपने रिटर्न अभी भरनी बाकी है, तो उस रिटर्न को भर कर अपनी अपनी GST की लाइबिलिटी को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था लेट फीस वेवर के लिए एक वीडियो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई थी तो आप बता सकते हैं, और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपके कोई ऐसे क्लाइंट है जिनको रिटर्न ना फाइल करने की वजह से GSTR 3 के अंडर डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 का नोटिस आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे।